दोस्तों भारत ने टेस्ट मैच 280 रन से जीत लिया और इस मैच में ना अश्विन ने ना एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया और शेन वॉन की रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। दोस्तों इस मैच में ना अश्विन ने अपने आपको कहा था, अश्विन को ना ज्यादा हम मैच से दूर रख ही नहीं सकते। पहली इनिंग में अश्विन ने जहां बॉल के साथ कमाल नहीं कर पाए तो बैट के साथ शतक जड़ा, दूसरी इनिंग में बैटिंग उनकी आई नहीं तो उन्होंने बॉल के साथ 6 विकेट ले लिए। तो अश्विन को हम कभी भी मैच से दूर रख ही नहीं सकते, तो इसलिए उन्होंने ना एक रिकॉर्ड ये भी बनाया कि 38 साल की उम्र में भारत की तरफ से खेलते हुए 5 विकेट का हॉल लेने का उन्होंने अपने नाम एक रिकॉर्ड बनाया कि इससे पहले 38 साल की उम्र में किसी भी गेंदबाज ने भारत के 5 विकेट नहीं निकाला था तो टेस्ट क्रिकेट में, तो उसके ये रिकॉर्ड तो था ही। और शेन वॉन की 5 विकेट हॉल का रिकॉर्ड के नाम की भी बराबरी कर ली है। बैक टू बैक बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं 38 साल के अश्विन यार, 38 साल के हो गए हैं लेकिन तब भी उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है ना कि अच्छे इतने अच्छा यंगस्टर परफॉर्म नहीं कर पाते। इसीलिए ना अश्विन का जो बोलता है ना, अश्विन की बॉलिंग या फिर बैटिंग, वो पूरा ना उसमें ना 100% देते हैं, चाहे वो फील्डिंग हो चाहे वो किसी चीज में हो। अश्विन से कप्तान कुछ भी कहे, अश्विन को कुछ भी कहता है ना कि ये डिलीवर करना, अश्विन वो डिलीवर करके देते हैं। इस टेस्ट मैच में हमने देखा भारत एक बहुत मुश्किल स्थिति में पहुंच गया था। पहली इनिंग में 144 पे भारत के 6 जो स्पेशलिस्ट बल्लेबाज हैं सभी पवेलियन लौट चुके थे, उस समय अश्विन और जडेजा ही क्रीज पे मौजूद थे, लेकिन इन दोनों ने हार नहीं मानी और इन दोनों ने 199 रन की पार्टनरशिप करी। यार बहुत ही मायने रखता है इस विकेट के लिए इतनी भयंकर पार्टनरशिप करना, और अश्विन का उसमें एक शतक, छठा टेस्ट शतक आया है। अच्छे बल्लेबाज 6 टेस्ट शतक नहीं मार पाते, धोनी के नाम 6 टेस्ट शतक है, सोचिए ना। तो अश्विन धोनी से भी आगे हैं यार, धोनी की बराबरी, और उनके पास 500 से ज्यादा टेस्ट विकेट भी है ना, इसको तो भूल ही नहीं सकते, क्योंकि अश्विन को ना बैटिंग ऑलराउंडर नहीं कहा जाता, अश्विन को बॉलिंग ऑलराउंडर कहा जाता है। 500 से ज्यादा विकेट लेना, 5 विकेट हॉल निकालना, भाई साहब गजब के खिलाड़ी हैं अश्विन। अश्विन के नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं और अश्विन ऐसा लगता है ना, अश्विन की फिटनेस को देख के कि अश्विन टेस्ट क्रिकेट अभी और खेलेंगे। दोस्तों एक खिलाड़ी की फिटनेस का टेस्ट तभी होता है ना जब वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा होता है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है ये फॉर्मेट खेलना। इसमें बहुत सारे आपको सेशन खेलने पड़ते हैं, दिन में होता है, धूप में, हर कंडीशन में खेलना पड़ता है, 5 दिन का होता है। इसमें ये नहीं पता आपको कितने गेंदबाजी करनी है, 50 ओवर, 40 ओवर, ये डिपेंड नहीं कर हो पाता। और अगर हम छोटा फॉर्मेट T20 या ODI में करें तो उसमें तो लिमिटेशन है कि आपको इतने ही गेंदबाजी करनी है। तो अश्विन ने ना ये बता दिया कि अभी भी उनमें फिटनेस कितनी है, क्योंकि जो बंदा टेस्ट क्रिकेट खेल के इतना बढ़िया परफॉर्म करके दिखाता है ना, तो उससे ये पता चल जाता है कि फिटनेस के बारे में कि अश्विन की क्या ही धांसू फिटनेस है। अभी वो भूख उनमें ना विकेट लेने की तो है ही, रन मारने की भी है यार, उनको बैटिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। अगर उनको ऊपर भेजें ओपनिंग कर लेंगे, किसी भी नंबर पे अगर उनको भेजा जाएगा वहां उस नंबर पे वो बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है। तो अश्विन में भूख रन बनाने की, विकेट लेने की अभी भी वैसी है जैसे कि एक यंगस्टर में होती है। अश्विन 38 साल के हो गए हैं लेकिन ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं ना जैसे कोई यंगस्टर हो। तो 38 साल की उम्र में बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर रहे हैं और आगे के टाइम में बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए भी नजर आएंगे अश्विन। दोस्तों आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें।